This news is brought to you by Burma Jewelers Solan, the biggest jewelry showroom of Himachal Pradesh. जो भी अनुरोध आता हुआ पीडब्ल्यू आरआई और बीपीएम की नेगलिजेंसी से वजह किसे हुआ है? कॉल करो कॉल। हाँ जी रुपया। हम पिछले कई समय से डिमांड कर रहे हैं बीपीएम से कि आप जो है यहाँ पे क्रैश बैरियर लगाए हमारे रोड पे, हमारी रोडों की कंडीशन आप लोग देखिए, पूरी जो कैंचियां है हमारी उसमें एक टर्न में गाड़ी है तक नहीं आती है। कितने बजे घटना हुई है ये सर? 10 बजे के टाइम की जो बस आती है उसमें हमारा बस कहाँ से कहाँ जा रही थी? एक जो मेंडी से कुशोक की ओर ये बस जा रही थी, पिछले जो है 2 या 6 महीने से लगभग हमारे क्षेत्र में यही एकमात्र बस आ रही है, बार बार एक ही ड्राइवर एक ही कंडक्टर। कितने लोग सवार थे इसमें लगभग? लगभग सर हम इसका कोई आइडिया अभी तक नहीं है, लगभग 40+ ही आदमी थे, लगभग 40 के आसपास के लोग थे जो अपने कुशोक ले जाते, उसमें कॉलेज के बच्चे थे। और हमारे लिए सबसे बड़ी बात यही है कि भाई इसमें कोई खास इंजरी नहीं हुई है, बड़ा हादसा होने से टल गया हुआ है, ड्राइवर और कंडक्टर हल्की सी चोटें हैं, उनको हमने उपचार के लिए अपने क्या नाम पे भेज दिया कुशोक पे। एम्बुलेंस भी अभी आ रही है, काफी देर बाद शायद पेशेंट कुशोक पहुंच गए थे तब तक, उसके बाद प्रशासन आ रहा है। पीडब्ल्यूडी से कोई मेंबर अभी तक यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है। हमने पीछे मैंने खुद 1100 में कंप्लेंट की हर चीज में कि भाई हमारी नालियां साफ नहीं है रोड में, आपके जो क्रैश बैरियर जो रोड के साथ पैरपेट लगते हैं वो नहीं लगे हुए हैं, तो आप लोग इसके लिए एक्शन लीजिए। तब बोला जाता है कि नहीं हो जाएगा, हमारे सिर्फ हल्की फुल्की बात करके हमारे को टाल दिया जाता है। अभी हमारे पास एक स्पॉट और पीछे है बनेरा में स्कूल के पास, आप देखिएगा वहाँ पे कभी भी हादसा हो सकता है, वो भी हमारी दस्तक दे रहा है कि भी कभी भी हो सकता है। इसलिए मेरे प्रशासन से और सरकार से यही मांग है, कृपया जब तक हमारा रोड ठीक ना हो, बसों की कंडीशन अगर ठीक ना हो, कृपया वैसी बस हमारे लिए ना भेजी जाए। धन्यवाद। जैसा आपको मालूम है कि अभी ये सुबह 10 बजे के आसपास ये हादसा हुआ और ये रोड की कंजस्ट के कारण यहाँ पे जो ये हादसा देखने को सामने आया, जैसे कि स्थानीय लोगों ने बताया। अभी जो हमारे जो गंगेश जी हैं इन्होंने ये पूरी ब्रीफली इस चीज़ के बारे में डिस्कस किया आपके साथ, ये सारी चीज़ें, क्योंकि पैरापिट एटलीस्ट होने चाहिए, ये रोड काफ़ी कंजस्ट है और कंजस्ट में यहाँ पे पास होने के लिए भी कोई दिक्कत आती है मैक्सिमम ड्राइवरों को जी। और ये लंबे टाइम से इनकी स्थानीय लोगों की मांग थी इस रोड के लिए कि वाइंड अप किया जाए इसको, थोड़ा सा इसको बढ़ाया जाए और कैंचियाँ कुंचियाँ जो है वो भी एटलीस्ट सुधारा जाए। सर आप इसी क्षेत्र के प्रधान भी हैं और इसी बस में सवार भी थे, क्या घटना हुई है? सब जैसे बस आ रही थी और थोड़ा ऊंचा बोलेंगे, एकदम इस मोड़ से बाहर हो गई। अच्छा। हमने कई बार प्रशासन से कहा कि इस रोड की जो एक तो मोड़ थोड़े तंग है, इसकी कटिंग नहीं है, इसके लिए बस ना भेजी जाए। मैं व्यक्तिगत तौर पर कई बार प्रशासन से मिलता रहा, कई बार बात की, लोगों के साथ हमारा डेपुटेशन भी मिला, कई बार मिला, पर विभाग का कहना था हमेशा कि यार आप तो शुक्र मानो आपको ये बस भी मिल रही है। मेरा विभाग से एक अनुरोध है सरकार से, ऊपर इसके ऊपर गौर करें। एक तो जो स्थानीय कर्मचारी बैठे हैं, कोई अड्डा इंचार्ज बन के कोई प्रभारी बन के यहाँ, जिनको या तो उनको उसकी सीट पे भेजा जाए जो उनकी सीट है, या तो उनको अनुभव करवाया जाए उस चीज़ का भी किस तरह से किस विभाग किस तरह से किस चीज़ को हैंडल करना है। मैंने बार बार कई बार रिक्वेस्ट किया कि ये जो है जस्टिफाइड नहीं है। और इसके बावजूद जब प्रशासन, कितने लोग घायल हुए हैं इस घटना में? इस घटना में लगभग 25-30 लोग घायल है। हाँ जी। आप किस पंचायत से संबंध रखते हैं? मैं मंडी पंचायत से हूँ सर। आजकल भी प्रधान है? नहीं, मैं एक्स प्रधान हूँ। एक्स प्रधान है, पूर्व प्रधान है आप? हाँ जी, हाँ जी। धन्यवाद। एक ही बस में दूसरे हमारे को ये चीज पता है, उससे अच्छा मना कर दो लोगों की हमारे पास बसें खराब है, हम नहीं भेज सकते। हम बार बार बोलते रहे, कई बार रिक्वेस्ट करते रहे, हमने बार बार बोला जो वहाँ पे हम बोलते रहे। आरे भाई। आरे भाई। सर आप HRTC से हैं, लोगों का ये रोष है कि भी खराब बसें इस रोड पे भेजी जाती हैं और व्यवस्था ठीक नहीं है, क्या कहना है? नहीं, आपको इसके बारे में 6 महीने से कोई जानकारी नहीं है इसके विषय में? सर एक्चुअली ऐसा है, मैं आपकी सीट पे एक सीट को हैंडल करता हूं। मैं तो जनरल में हूं जी। जनरल में मैं तो एम्प्लॉइज के बारे में बता सकता हूं, मेरे पास कितना स्टाफ है वो चीज में डील करता हूं, बाकी कितनी गाड़ी है मेरे पास वो नहीं। आप मौके पर आए हैं ना, तो इनका ये रोष है कि बस जो है 18 बसें इधर भेजी जाती हैं। सर मैं तो भाई पता लगा कि ऐसे एक्सीडेंट में अपने स्टाफ को लेकर आया हूं। जी जी। हाँ जी, कुछ आपने मदद की? आपको इसके विषय में जानकारी होगी? नहीं, आपको क्या लगता है ड्राइवर फास्ट था? ड्राइवर फास्ट है, लोगों की कंप्लेंट है। ये सर 6 महीने से बंदा यही चला हुआ है, 6 महीने से बंदा यही चला हुआ है, HRTC की गलती है सारी। ये क्रैश जो ड्राइवर की जगह ड्राइवर नहीं, आप बंद कर लो, उसकी स्पीड से चला रहे हो आप। 30 लोगों की जान, मैं कह रहा हूँ क्रैश बैरियर नहीं है रोड पे, नहीं उस तरह से रोड की कंडीशन। हमने बार बार बोला, रिक्वेस्ट करते रहे,
ऊपर से रोड उधर से आपकी बसों की कंडीशन खराब। अच्छा ये लोग कहते हैं कि हमारे को कोई नॉलेज नहीं है, मैं तो 6 महीने से यहाँ हूँ, मेरे कोई नॉलेज, ये स्टाफ को देखते हैं। आपकी डिप्टी डिप्यूट कौन करता है, आपको बस डिप्यूट कौन करता है यहाँ पे? बसें होती है वर्कशॉप से इंचार्ज से, जो इंचार्ज है हमारे वर्कशॉप में जी, वो करता है गाड़ियों पर डिप्यूट। हाँ जी। और जो वहाँ पर JTO वगैरह है, JTO हेड मैकेनिक है, वो गाड़ियों को काम करा के फिट करके भेज देते हैं उसके पास। आप HRTC से यहाँ पहुँच गए, कितने लोग घायल हैं आपके पास, क्या जानकारी है? सर मैं तो अभी पहुँचा हूँ जस्ट, कुछ लोगों ने बताया। अच्छा मैं तो देख ही रहा हूँ, ठीक है, मैं तो अभी पहुँचा सर। नहीं तो जो बस से डिप्यूट करते ना जिसके पास इंचार्ज, तो फिर भी एक ही रूट के लिए परमानेंट 6 महीने के लिए एक ही बंदा चलेगा, क्या रूटीन होता है इसका, या एक ही रूट में 6 महीने के लिए लॉट की जाती है बस? इस बात को तो ही बता सकते हैं क्यों भेजते हैं एक ही रूट पे, पेशेंट के पास जाना बस प्रोवाइड करे, जाना यहाँ से लोका में जाएंगे पैदल पहुँच। हमारी बात कराइए साहब, आप हमारी बात कराइए सिलदार साहब, हम मैं बात कर रहा हूँ सिलदार साहब, ऐसा कैसे हम नीचे जाएंगे साहब, अभी नहीं नमस्कार, आप देख रहे हैं दिव्या हिमाचल टीवी, मैं हूं करसोक से आपके साथ नरेंद्र शर्मा। आज सवेरे जो है एक बस दुर्घटना का शिकार हुई है, बस के हालात देखे जाएं तो बहुत बड़ी दुर्घटना ये बस की हुई है, परंतु गनीमत ये रही कि इस बस दुर्घटना में किसी को जान नहीं गंवानी पड़ी, घायल हुए हैं लगभग 30 लोग जो हैं वो घायल बताए जा रहे हैं। और ये ग्राम पंचायत बनेरा के साथ लगने वाला जो क्षेत्र देवीदार है वहाँ से है, लगभग जंगल में 200 फुट सड़क से नीचे बस गिरी है। आप सीधी तस्वीरें जो हैं वो देख रहे हैं कि बस जो है कितनी सड़क से नीचे है, ये सड़क है, हम आपको सड़क भी दिखा रहे हैं, और यहीं से बस जो है दुर्घटना का शिकार होते हुए ये सड़क से नीचे लुढ़की है, लगभग 200 फुट से भी ज़्यादा हो सकता है। अभी करसोग पुलिस जो है वो भी मौके पर पहुंची हुई है, नायब तहसीलदार जो हैं शांता शुक्ला वो भी पहुंचे हुए हैं, HRTC के अधिकारी भी जो हैं वो भी मौके पर पहुँच गए हुए हैं। तो ये आज जो है ग्राम पंचायत बनेरा के समीप देवीधार जो गांव है उसके आसपास ये बस दुर्घटना हुई है, परिवहन निगम की बस गिरी है, गहरी खाई में बस गिरी है, जंगल के बीचों बीच पड़ी हुई है, शायद पेड़ों की वजह से को बहुत बड़ी घटना नहीं बन पाई है, ईश्वर की कृपा रही है। आप सभी से आग्रह है कि इस जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। आप ना इस साथ लगती पंचायत बनेरा के प्रधान हैं, आपका क्या कहना है कि भी ये जो बसें कम हैं या यात्री ज़्यादा थे, क्या कारण रहे हैं? हाँ जी, इसमें यात्री ज़्यादा थे और बस एक ही आती है 4 पंचायतों के लिए, तो हम चाहते हैं कि भाई इस रोड के लिए, इस रूट के लिए जो है बस का प्रावधान किया जाए, और ताकि अभी जो इसमें यात्री ज़्यादा होने के कारण ही एक्सीडेंट हुआ है। कोई ऐसा बताते हैं कि पैरापेट लगाए जाने की मांग भी है? हाँ जी, पैराबिट भी लगने चाहिए ताकि एक्सीडेंट से, दुर्घटना से बचे, पैराबिट का लगना भी बहुत जरूरी है इसमें। धन्यवाद। कहते हैं हिमाचल की वादियों में काफी राज छुपे हैं, ये हिमालय पर्वत हमें हजारों साल से विश्वास देते रहे हैं सुरक्षा का, वैसे ही आपके अपने वर्मा ज्वेलर्स 50 सालों से भी ज्यादा वर्षों से आपके विश्वास पात्र रहे हैं और लाते रहे हैं भरोसे की मुस्कुराहट। 5 लाख से भी ज्यादा हिमाचली चेहरों पे उनके बनाए आभूषणों की शुद्धता के लिए, सही कीमत के लिए, सोने के आभूषणों की वापसी पर कोई भी कटौती ना करने के लिए, हीरो के जवाहरातों पर 5% अधिक दिनागी की गारंटी के लिए, और तो और 5 सेंट तक के हीरे अगर गिर भी जाएं, तो उन्हें बिल्कुल मुफ्त बदलने के लिए और जीवन भर मुफ्त मरम्मत की गारंटी के लिए। सारे हिमाचल में और कहीं इतनी सुविधाएं एक छत के नीचे कहां मिली?
इनका 5000 स्क्वायर फुट से भी बड़ा शानदार शोरूम स्वयं ही आपको आमंत्रित करता है एक लंबे रिश्ते की शुरुआत करने और उस रिश्ते को जीवन भर कायम रखने के लिए। हमारे हिमाचल की सुंदरता जो देश के लाखों लोगों को खींच लाती है अपनी ओर, फिर आप कहीं और क्यों जाएं? जब आपके पास है आपके अपने वर्मा ज्वेलर्स।